मध्य प्रदेश में जहां तक हमने देखा पिछले 15 साल से ज्यादा तक अगर बीजेपी का राज अगर चल रहा था, क्या ये उनके साथ जाएगा या उनके खिलाफ जाएगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एग्जिट पोल की तरफ से एक सरप्राइज सामने आया है। टाइम्स नाउ ईटीजी प्रोजेक्शन शोइंग दैट द कांग्रेस इज जस्ट अहेड ऑफ द बीजेपी बाय रेजर थिन मार्जिन एंड द कांग्रेस इज पोइज्ड टू विन एट 109 to 125 seats, while the BJP is now predicted to bag around 105 to 117 seats. However, an aggregate of at least 7 exit polls indicates that the BJP may wind up with 123 of the state's 230 seats, while the majority mark stands at 116. The Congress may get around 104 seats. So, abhi tak Madhya Pradesh ke agar baat kar lete hain, to aapko dikha dete hain ki aakhirkar जो नंबर्स है वो कहां पर स्टैक हो रहे हैं, वो कहां पर अभी आप देख पा रहे हैं एग्रीगेट, जो बहुत सारे एग्जिट पोल्स कल हमने देखा शाम को 6 बजे से आने शुरू हो गए थे, और लगातार अगर किसको एज है, किसको लग रहा है कि मेजोरिटी का मार्क मिलेगा, या कोई ऐसे भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आखिरकार यहां पर बीजेपी आगे नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी के, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये एंटी इनकंबेंसी का जो चार्ज लगाया जा रहा था शिवराज सिंह चौहान सरकार पर, वो फिलहाल काम आते हुए नहीं नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं सारे जितने एग्रीगेट्स है, और यहां पे जो थोड़ी सी जो एज है वो बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो दिल, जो देश का जो दिल माना जाता है मध्य प्रदेश, उसके बारे में जो आप आंकड़े हैं वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर कांग्रेस पार्टी का तो यही कहना है कि पहले जिस तरह से 2018 में उन्होंने सरकार बनाई लेकिन उनके हाथ से सरकार निकल गई 2020 में, लेकिन अब की बार पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार बनेगी और वो पूरे 5 साल तक टिकी रहेगी। ये अब देखना होगा 3 दिसंबर को कि जब रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। वी ऑल्सो टॉक अबाउट द कांग्रेस कैंप विच इज नाउ होपिंग टू सरपास द मेजोरिटी इन द एग्जिट पोल्स, बट इट हैज कॉस्ट अ कंसर्न नाउ इन द कैंप। डिस्पाइट दिस दे रिमेन कॉन्फिडेंट दैट दे कैन कंफर्टेबली सिक्योर 130 सीट्स। द कांग्रेस पार्टी एम्फसाइजेस दैट दे वैल्यू द पीपल्स वर्डिक्ट ओवर द प्रेडिक्शन ऑफ द एग्जिट पोल्स। अभी जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वेरियस न्यूज चैनल्स की एजेंसीज की, कुछ सरप्राइजिंग भी हैं, कुछ में टाइट फाइट है, कुछ में मार्जिनल विक्ट्री भी है कांग्रेस की, आप कैसे देखते हैं? मैं तो इसे स्पष्ट बहुमत देखता हूं। मेरा जो अनुभव है पिछले कई सालों का और थोड़ा बहुत जो मध्य प्रदेश को मैं जानता हूं, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि इस बार जनता में नाराजी है भाजपा के खिलाफ, और ये नाराजी वोटों में परिवर्तित होकर रहेगी और हमें 130 सीटों से ज्यादा सीटें मिलेंगी। ओके, वोटिंग टर्नआउट हैज इंक्रीज्ड विद मोर देन 1%, सो हाउ यू जस्ट लुक एट दिस? दैट इज ऑलवेज अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट। नाराजी का वोट जो होता है वो हमेशा से विपक्ष को जाता है और उसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। सर, इफ द मार्जिन ऑफ विक्ट्री इज नियर मींस लिटिल मोर देन मेजोरिटी, लास्ट टाइम यू हैव सीन द एक्सपीरियंस ऑफ टॉपलिंग द गवर्नमेंट, हाउ सो हाउ यू सी दैट सिचुएशन? विल बी मोर केयरफुल दिस टाइम, विल बी मोर केयरफुल। व्हाट इज द एस्टिमेशन ऑफ मिस्टर दिग्विजय सिंह रिगार्डिंग दिस? माय ओन एस्टिमेशन इज स्टिल 130 प्लस, बिकॉज पीपल हैव वोटेड फॉर द कांग्रेस पार्टी and there is a huge anger against the present government. How would you say, final question, last question, Times Now also has presented the survey. It has given 117 to Congress party and 111 to BJP. That's a very conservative estimate. My this thing is nothing less than 130. मध्य प्रदेश के लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है क्या, यानी कि अगर कमल खिलेगा या कमलनाथ की अगर सरकार बनेगी, उसमें अगर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर रिएक्शन सुन ले, तो उन्होंने ये दावे के साथ कह रहे हैं कि कमलनाथ ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे मध्य प्रदेश के। देखिए, 17 तारीख को जनता ने जनादेश तय कर दिया है, 2 दिन बचे हैं, 3 तारीख को कांग्रेस की सरकार बन रही है। आदरणीय हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आदरणीय राय साहब, कमलनाथ जी, जितने भी सीनियर नेता हैं सब ने जी तोड़ पिछले 3 साल से मेहनत की है और रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में, जैसा कि सर्वे हुए हैं और भी चीज़ें, 120 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस को मिल रही हैं, जो भी सर्वे चल रहे हैं मीडिया कर रही है। अब यही कांग्रेस पार्टी का रिएक्शंस है, क्योंकि अब वो सर्वे को तो गलत नहीं कह रहे हैं लेकिन सीधे तौर पे ये जरूर कह रहे हैं कि हम ग्राउंड सिचुएशन को जानते और समझते और वो एग्जिट पोल्स में नजर नहीं आ रहा है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सीधे तौर पे कह रही है कि ये सीधा वन साइडेड कॉन्टेस्ट है और बीजेपी की ही सरकार बनेगी दोबारा। मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे।